Join the legacy of leaders at PGC Jhanjheri. Bhushan Jewelers, anmol rishton ke liye. लोक निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने आज यहां एमएलए क्रॉसिंग के पास हुए भूस्खलन का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि एमएलए क्रॉसिंग के पास हुए भूस्खलन से बालूगंज वाली सड़क मलबे से दब गई है। अल्पावधि के लिए 15 दिनों के भीतर बालूगंज के लिए वैकल्पिक मार्ग तैयार किया जाएगा ताकि लोगों को आने जाने में सुविधा हो। उन्होंने कहा कि दीर्घकालिक दृष्टि से इस क्षेत्र का वैज्ञानिक तरीके से ट्रीटमेंट कर समाधान सुनिश्चित किया जाएगा। इस सड़क के लिए विभागीय अधिकारियों द्वारा उचित डीपीआर तैयार की जा रही है। निरीक्षण किया है और हमारा पूरा प्रशासन, जिला प्रशासन पिछले 2-3 दिन से यहीं पर ही मौजूद है। हमारे डिपार्टमेंट के लोग यहाँ उपस्थित हैं और इसके रेस्टोरेशन के लिए पूरी तरीके से हम प्रयास करेंगे। अभी इसमें दो चीजें हैं, एक लॉन्ग टर्म इसका रेस्टोरेशन है और एक शॉर्ट टर्म में इसकी कनेक्टिविटी को जोड़ना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट जंक्शन है जहाँ से पूरे शहर का, लोगों का, खासकर के स्टूडेंट्स का रोज का आना जाना है। उस दृष्टि से इसको हम टेम्परेरी बहाल जो है वो कर देंगे, इस सड़क को जो आपकी बालूगंज के लिए जाती है, अगले कुछ दिन के अंदर, 10-15 दिन के अंदर। और जो इसका लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है वो एक बारी थोड़ा बरसात, मौसम ठीक हो जाए उसके बाद इसकी डिटेल्ड डीपीआर बनाकर, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन करके, उसके बाद जो है इसका काम शुरू होगा। क्योंकि ये वही जगह है ऊपर जो आपका पूरा एडवांस स्टडी है, वहाँ के कुछ इलाके हैं जहाँ पे पिछली बारी भी दूसरे छोर में वहाँ पर भी स्लिप आया था, शिवबावड़ी में बहुत नुकसान हुआ था। तो इसको पूरा इन्वेस्टिगेट करने की आवश्यकता है और उस दृष्टि से भी इस पर काम किया जाएगा। CPWD की भी इसमें जहाँ जमीन है उनके साथ भी हम कोऑर्डिनेट करेंगे। अगर इसके लिए भी हम एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस में इसको शुरू करेंगे और इसमें जो है जो भी नए टेक्निक्स है, प्रोसेस है, उसका इस्तेमाल किया जाएगा ताकि ये परमानेंटली आने वाले समय के लिए इसको ठीक किया जा सके। ये जो रोड है ये MC की है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की है, इसको भी हम रिस्टोर करने का प्रयास करेंगे, मगर इमिडिएटली तो वो नहीं हो पाएगा क्योंकि इसमें कुछ थोड़ी सी ड्रेनेज की भी समस्या आ रही है, जिसकी वजह से पानी की निकासी की वजह से जो है कि पानी की लीक हो रहा है या ठीक हो रही है, उसको देखना पड़ेगा। मगर फिर भी हम ट्राई करेंगे इस रोड को जल्द से जल्द बहाल किया जाए। मगर जैसा मैंने कहा कि ये एक बहुत ही वल्नरेबल पॉइंट है और इसमें प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के साथ ही इसको हमको करना है, क्योंकि आप देखेंगे इसमें बहुत बड़ा पूरा मलबा ऊपर से आया है। अगर हम इसको इस पर काम करना शुरू करेंगे तो हो सकता है और भी ऊपर से इसमें मलबा ऊपर से और भी आए और भी स्लिप हो, उस चीज़ को भी हमको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। तो सब चीज़ों को देखते हुए फिर इसको हम जल्द से जल्द बहाल करने की कोशिश करेंगे। Leaders at PGC Jhanjheri. भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।